हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, फिर से मेरा एक न्यू ब्लॉग आ गया है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, अभी मैं मेकअप करना स्टार्ट की हूँ। देख सकते हैं, अब वीडियो को एंड तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा करवा चौथ लुक। देख सकते हैं, मैं एक एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाई हूँ। मैं जितना करती हूँ उतना मैं आप लोग को दिखाई हूँ, और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत दिनों बाद फिर से मैं ब्लॉग डाली हूँ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं बना रही थी। एक करवा चौथ था तो मैं सोची एक ब्लॉग तो मैं शूट करती हूँ, और वीडियो शूट करने में आप लोगों को पता ही है कितना मेहनत है। थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। देख सकते हैं, अभी मेरा प्राइमर लग गया है। मुझे उंगली से ही अच्छे से मुझे मेकअप करना ही अच्छा लगता है, अपने हिसाब से करते हूँ। देख सकते हैं, अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। देख सकते हैं, मैं अच्छे से डैप डैप कर ली हूँ, उसको अच्छे से मैं मिला रही हूँ ताकि कहीं ज़्यादा और कहीं कम ना दिखे। आप लोग भी इस तरह का मेकअप कर सकते हैं, करवा चौथ के लिए अच्छा है। एक एक वीडियो शूट करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं, ऐसे मत कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग भी फिर मैं बनाऊं। देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा वीडियो में। यहाँ पे मैं अभी आईब्रो कलर कर रही हूँ, मैं ब्रश से कर रही हूँ ताकि मैं अपने हिसाब से रख सकूँ। मैं ज़्यादा डार्क नहीं रखती हूँ आईब्रो, मुझे पसंद नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। देख सकते हैं, और मैं कंसीलर हमेशा नहीं यूज करती हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ जहाँ जहाँ ब्लैक हो आँख के ऊपर नीचे, जहाँ पिम्पल हो या दाग हो उस पर आप कर सकते हैं। मैं आप लोग को बताना भूल गई थी। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग को फिर समझ में नहीं आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अब मैं लगाऊंगी आई शैडो। देख सकते हैं, मेरा साड़ी जो है मैरून और गोल्डन है, इसलिए मैं उस टाइप का आई शैडो लगा रही हूँ। देख सकते हैं, ब्लाउज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगाऊंगी गोल्डन कलर, क्योंकि इसमें गोल्डन है। आप अपने ड्रेस के हिसाब से, अपने साड़ी के हिसाब से आई शैडो लगा सकते हैं। देख सकते हैं, मुझे ब्लशर भी ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा ही मैं यूज करूँगी। और आप लोग अपने हिसाब से, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा रेड रेड पसंद है, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। देख सकते हैं, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है उंगली से ही, इसलिए मैं बार बार उंगली से ही कर रही हूँ। अपने हिसाब से थोड़ा ही लगा लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ब्रश से तो काफ़ी ज़्यादा, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, इसलिए मैं उंगली से ही लगा रही हूँ। देख सकते हैं, अभी मुझे ज़्यादा लगा तो फिर मैं फिर से मिला रही हूँ। अब मैं लगाऊंगी आई लैसेस। मुझे तो बहुत परेशानी होती है आई लैसेस लगाने में, आप लोग जल्दी लगा लेते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे थोड़ा टाइम लगता है।
करवा चौथ का लुक था, तो एक तो आई लेसेस तो चाहिए ही चाहिए, देख सकते हैं। अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा पूरे वीडियो को, तो अच्छे से समझ में आएगा, देख सकते हैं। मैं मस्करा लगा रही हूँ, अभी मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और कमेंट करके बताइए मेरा लुक कैसा लग रहा है, देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है। मैं खुद से अभी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देख सकते हैं। आप लोग ज्वेलरी वगैरह अपने हिसाब से पहन सकते हैं, मैं अभी थोड़ा ही, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पहने हूँ। और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, प्यार सपोर्ट और प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा लुक हो चुका है कंप्लीट, बस मुझे चुन्नी लगाना है, जो मैं चुन्नी अभी नहीं लगाई हूँ। सर को ढकने के लिए चुन्नी चाहिए। और वीडियो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा लुक आज का कैसा रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, देख सकते हैं। इस तरह का लुक आप लोग तैयार कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले, बाय बाय।